हेलो एवरीवन दिस इज कोमल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग एम्पायर वेर यू विल गेट एवरीथिंग इन द ईजिएट वे दैट यू कान इवन इमेजिन सो फ्रेंड्स आई हैव डिसकस्ड इन माय अर्लियर वीडियो अबाउट द स्लेव डायनेस्टीज इन टू पार्ट्स सो आशा करती हूँ कि आप सबने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए और फिर क्योंकि हमारी सेकेंड डायनेस्टी शुरू होती है और वो कैसे शुरू होती है वो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा

तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलाउद्दीन खिलजी ठीक है खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलाउद्दीन खिलजी और उन्होंने कब तक राज किया 1292-1296 टू ट्वेल्व सिक्स ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पर रूल किया ही वॉज़ द मोस्ट जनरस किंग मोस्ट जनरस किंग थे एंड काइंड किंग ओके okay? जनरस भी थे और बहुत काइंड भी थे दिल्ली सल्तनत के ठीक है न्यू मुसलमानस वर अलाउड टू बी सेटल्ड इन डेली ठीक है अगर कोई मुसल मुस्लिम जो थे रिलीजन के लोग अगर आउट ऑफ डेली से डेली में आना चाहते थे तो वो अलाउ कर दिए गए थे ईजीली ठीक है सिद्धि मौला जो एक सूफ़ी संत थे उसकी हत्या जो है जलाउद्दीन खिलजी ने की थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ट्रेजन किया है मतलब कि देशद्रोह किया है ठीक है सिद्धि मोला जलाउद्दीन खिलजी जो थे उनकी भी मृत्यु जो है बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुई थी ठीक है तो उनके नेफ्यू ने ही उनकी हत्या कर दी थी लेकिन उनकी हत्या के बाद क्या हुआ था कि रुकनउद्दीन जो थे जो जलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे उन्होंने प्रोक्लेम किया कि मैं किंग बनूंगा आफ्टर द डेथ ऑफ जलालुद्दीन लेकिन फाइट हुई युद्ध हुआ वॉर हुआ तो अलाउद्दीन ने उसको हरा दिया और फिर रुकनउद्दीन ने इंडिया छोड़ दिया तो ठीक है ही वॉज नॉट किल्ड ओके ही लेफ्ट इंडिया नेक्स्ट रेन कम्स ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी ठीक है फ्रॉम ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स टू थर्टीन सिक्सटीन वेरी लॉन्ग ठीक है बहुत लॉन्ग uh, रेन है और बहुत इंपॉर्टेंट रेन भी है एंड uh, मुझे ऐसा लगता है यू ऑल माइट हैव अवेयर अबाउट द नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो ठीक है तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से ही पता होंगे लेकिन अब हम कुछ अंडर के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिलिम्स और एनी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ठीक है मेरी जो स्लाइड्स होती है उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस के आंसर्स इंक्लूडेड होते हैं वही टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाएंगे क्योंकि इसके बाहर से कोई कोई भी पोर्शन नहीं आएगा सो प्लीज़ पे अटेंशन टू माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक आर वीडियो एज वेल सो रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज अलाउद्दीन अली गुरशपा ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हुज़ रियल नेम वली गुरशपा या फिर अलाउद्दीन का रियल नेम व ब्लैंक ठीक है तो अली गुरशपा वाज द रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ठीक है ही वॉज़ द फर्स्ट ओल्ड इंडिया रूलर ऑफ़ दिल्ली सल्तनत देखो मैं जब एंशंट इंडिया डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो ही रूलर्स थे जिन्होंने ओल्ड इंडिया को रूल किया था ठीक है तो सेकेंड तो यहाँ पर फिर से आपको पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है तो पॉलिटिकल प्रिंसिपल क्या था अलाउद्दीन का कि किंगशिप नोज नो किंगशिप मींस किंगशिप बनने के लिए जरूरी नहीं कि किंग का ही बेटा हो लाइक यू माइट हैव लर्न द यू माइट हैव लिसन द टैक लाइन ऑफ द मूवी सुपर थर्टी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा दिस वाज रिजेक्टेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि वो कहते थे कि किंगशिप जरूरी नहीं कि किंग का बेटा ही चला सके ठीक है उलुग खान जाफर खान और आकत खान ये तीन जो थे इन्होंने बहुत असिस्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी को कि वो जो है अलाउद्दीन को एज अ किंग इनका स्टेटस इंक्रीज़ करते रहें ठीक है कैसे ये भी है देखो 1297 में अलाउद्दीन ने जो है गुजरात को जीत लिया था ओके उलूग खान ने इस विक्ट्री को स्केल किया था ठीक है मतलब कि इस विक्ट्री में उनका साथ जो है उलुग खान ने दिया था और रूलर थे उस टाइम पे गुजरात के राय करण देवा ओके okay? तो किसको हरा के अलाउद्दीन ने गुजरात जीता राय करण देवा किसकी मदद से जीता उलुग खान ठीक है 1297 में ही सल्दी जो कि एक मंगोल रूलर थे उसने अटैक किया था दिल्ली सल्तनत पर ठीक है और स्टॉप किया था ज़ाफर खान ने ठीक है आने से रोका ओके okay? नेक्स्ट इन 1299 में क्या था एक कतलुब खान ख्वाजा थे वो भी एक मंगोल रूलर थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने की कोशिश की बट ही वॉज़ ऑल्सो स्टॉप्ड बट बाय अकत खान ठीक है तो ये तीन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए ठीक है नेक्स्ट है मलिक काफूर जिसे हज़ारे दिनारी बोला जाता है मतलब हज़ार दिनारी में ख़रीदा था उसको क्योंकि अलाउद्दीन ने जो है गुजरात से जो है मलिक काफूर को ख़रीदा था क्योंकि एक तरह का वो योद्धा होंगे बहुत अच्छे योद्धा थे तो उनको ख़रीदा था कि ये मेरे काम आएगा सेना में अगर मैं इसको ले लूँगा ठीक है तो अलाउद्दीन ने उन्हें हज़ार दिनारी से ख़रीदा था गुजरात से और उस जब गुजरात जीता था ठीक है ट्वेल्व नाइन्टी सिक्स में उन्होंने गुजरात जीता था विद दी हेल्प ऑफ उलूक खान ठीक है तो अब जब गुजरात से उन्होंने फिर मलिक काफूर को ख़रीदा और मलिक काफूर ने हेल्प की कि उन्होंने पूरा साउथ इंडिया उनको जिता के दिया ओके okay? अब थर्टीन जीरो थ्री जब हुआ तो अलाउद्दीन ने अटैक किया था मेवाड़ में जयपुर में और तब किंग थे रतन सिंह और उनकी क्वीन थी पद्मिनी आप आ, 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 नो डाउट कि आपने पद्मावत मूवी नहीं देखी होगी एंड इफ़ यू डोंट एंड एंड इफ यू डिन देन प्लीज़ सी द मूवी देर आर फैक्ट्स दैट यू शुड नो अबाउट द कल अलाउद्दीन खिलजी ठीक है तो अटैक किया था मेवाड़ में क्योंकि रतन सिंह ऑब्जेक्टेड गुजरात विक्ट्री ऑफ अलाउदी ठीक है क्योंकि रतन सिंह ने जो है इस बात का ऑब्जेक्ट किया था कि तुमने गुजरात जो है खुद नहीं जीता है ठीक है किस उलू खान ने तुम्हें जिता के दिया है ठीक है तो इस बात पर जो है अटैक किया था अटैक किया था ठीक है अब घोरा एंड बादल जो थे एबल जनरल से रतन सिंह के उन दिनों पे ठीक है ये नाम भी आ सकता है ठीक है कि हु वर द एबल जनरल्स ऑफ दी रतन सिंह या फिर घोरा एंड बादल थे कौन किसके एबल जनरल्स थे ठीक है टॉपिक्स ओ आपको वो दे दिए जाएंगे ऑप्शंस के जलालुद्दीन अलाउद्दीन रतन सिंह और जियासुद्दीन तुगलक वटैर तो आपको सिलेक्ट करना है रतन सिंह ठीक है अमीर खुसरो जो थे उन्होंने एक्म्पनाइड किया अलाउद्दीन को मेवाड़ तक देखो अमीर खुसरो किसके राज में आए ठीक है अलाउद्दीन ठीक है तो मेवाड़ में जो जब अटैक हुआ किया था अलाउद्दीन का तो अमीर खुसरो ने उनको कंपनी दी थी मतलब कि हेल्प किया था और राइड किया था अपना फ़र्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जौहर ऑफ पद्मिनी ठीक है कि पद्मिनी जी ने जो है कि ये आपको पता ही है ये कहानी कि पद्मिनी जी ने जो रतन सिंह की पत्नी थी उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपने अपने आप को किसी गैर मर्द के सामने नहीं ले जाऊंगी उन्हें नहीं दिखाऊंगी डायरेक्टली ठीक है यानी कि अलाउद्दीन को नहीं दिखाऊंगी तो इसलिए जब रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने जौहर फरमाया जौहर मतलब चिता में मतलब जलती हुए चिता में अपने आप को जला दिया और ऐसा करने से मतलब सती हो गई और ऐसा करना जौहर कहलाया क्योंकि उनके बाद बहुत सारी स्त्रियों ने उस उस टाइम पर जौहर फरमाया था ठीक है किसने लिखी थी अमीर खुसरो ने और नेक्स्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंट मलिक मोहम्मद जायसी उन्होंने बुक लिखी थी पद्मावत और वो किसकी स्टोरी थी पद्मिनी जी की ओके अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो तो चाहते थे कि मैं वर्ल्ड का ही विक्टर बन जाऊँ पूरे इंडिया का ही क्यों अब मैं वर्ल्ड का ही विक्टर बन जाता हूँ यू नो द ग्रीड कि अगर इतना कर सकता हूँ तो और भी कर सकता हूँ तो उन्होंने सोचा वर्ल्ड को ही जीत देता हूँ लेकिन ऐसा करने से उन्हें स्टॉप किया उनके मिनिस्टर अलाउल मुल्क ठीक है इम्पॉर्टेंट नेम है अलाउद्दीन के कौन से मिनिस्टर थे जिन्होंने उन्हें वर्ल्ड विक्टर बनने से रोका एक और बार आएगा इनका नाम दो क्वेश्चन की तरह से आ सकता है इनका नाम दूसरा नाम क्या है कि ही वांटेड टू क्रिएट न्यू रिलीजन और अलाउद्दीन तो नया रिलीजन तक लाना चाहते थे ठीक है लेकिन तब भी किसने स्टॉप कर दिया मुल्क नहीं ठीक है तो दो बार नाम आया मुल्क ने उन्हें वर्ल्ड विक्टर बनने से रोका और मुल्क ने उन्हें नया रिलीजन लाने से भी रोका ठीक है अलाउद्दीन ने डिक्लेयर किया खुद को सेकेंड अलेक्ज़ेंडर क्यों क्योंकि वो अलेक्जेंडर के मतलब फ़ैन होंगे और अलेक्जेंडर वाज आल्सो पॉपुलर ऑफ विनिंग द टेरिटरीज तो उन्होंने अपने आप को भी अलेक्जेंडर घोषित कर दिया और तो और जो कोइंस जो उन्होंने खुद बनाए थे उसमें सिकंदर से सेनी लिखवाया ठीक है मींस जनरल ऑफ अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर का जनरल बताया खुद को ओके तो हु वज नोन एज द सिकंदर सैनी अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे क्वेश्चन अलाउद्दीन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो आप सबको ध्यान से पढ़ना ठीक है स्ट्रेंथ इन सिस्टम ऑफ सल्तनीत इंट्रोड्यूस्ड बिस्वा यूनिट ऑफ मेजरमेंट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अगेन लाइक हु इंट्रोड्यूस द बिस्मा या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ठीक है तो बिस्वा इंट्रोड्यूस किया था सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन ने अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई थी 1316 में ठीक है और उनके बाद जो है मुबारक शाह जी किंग बने ओके okay? अब देखो कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी किए थे अलाउद्दीन में जो कि ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्री एग्जाम्स तो क्या थे उन्होंने तीन तरह के रिफॉर्म किए थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है तो पॉलिटिकल पढ़ते हैं पहले ठीक है पॉलिटिकल क्या था कि ही वॉज़ फर्स्ट एंड लास्ट टीम इंक्वायर्ड अबाउट द कॉजिज ऑफ रिबेलियन ठीक है रिबेलियन के लिए वही सबसे पहले और वही सबसे लास्ट थे जिन्होंने इंक्वायर uh, करते थे कि क्यों आया ये किस लिए आया डायरेक्ट अटैक नहीं करने जाते थे पहले जानते थे कि आखिर क्या कारण हो सकता है ठीक है ही वॉज़ फर्स्ट किंग हुई इशूड ऑर्डीनेंस टू इम्प्रूव एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ऐसे फर्स्ट किंग थे जिन्होंने लॉज बनाने शुरू कर दिए थे कि वो अपना कंट्रोल कर सके एडमिनिस्ट्रेशन पर ठीक है ऑर्डिनेंसेस इशू करने शुरू कर दी थे उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखा ऐसा नहीं था कि उनका रिलीजन अगर मुस्लिम है तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम ही इंक्लूड किए अपने पॉलिटी पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं था उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिकल से पॉलिटिकल स्टेट से अलग रखा ठीक है कोई भी जो है पॉलिटिकल टर्म्स में इंक्लूड हो सकता था टोटल सेपरेशन अचीव्ड बाय हिम जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ओपन टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट इंक्लूडिंग हिंदूज ठीक है कि क्या था कि रिलीजन को जो है उन्होंने पॉलिटिक्स से अलग किया कि उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को ओपन कर दिया था सब के लिए अगर कोई मेरिशियस है मतलब अगर उसकी मैरिट अच्छी है वो रैंक में अच्छा है अगर वो कुछ कर सकता है तो वो वेलकम है उसका हमारे पॉलिटिकल स्टेट में ठीक है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो ठीक है कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लाए मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या थे कि उन्होंने कैश सैलरी इंट्रोड्यूस की कि सोल्जर्स को कैश में सैलरी दी जाएगी ठीक है पहले के टाइम में क्या होता होगा कि गन्स दे दी या कोई टेरिटरी दे दी लैंड दे दिया क्या खाना दे दिया लेकिन अब उन्होंने कैश सैलरी इंट्रोड्यूस कराई एंड देट वॉज थर्टी एट नो दिस इज नॉट थर्टी एट दिस इज टू थर्टी एट टका ओके टू दिस इज टू थर्टी एट टका ठीक है पर सोल्जर टका किसने इंट्रोड्यूस किया था इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बायतुत्मिश ठीक है टका को किसने इंट्रोड्यूस किया अल्तुत्मिश ने ठीक है वन सोल्जर हैड टू मेंटेन वन हॉर्स फ्रॉम सैलरी अब उनकी कंडीशन में क्या होती थी कि जो तुम्हारी सैलरी होगी उसमें से तुम्हें एक हॉर्स को तो खर्चा पानी करना होगा उसका उसे पालना होगा एक हॉर्स को ठीक है और इंट्रोड्यूस की आइडेंटिटी फॉर हॉर्स एंड सोल्जर क्या थी कि हॉर्स को तो कहा जाता था दाग दाघ और सोल्जर सोल्जर को कहा जाता था चेहरा ठीक है दाग एंड चेहरा इनकी आइडेंटिटी बना दी थी ठीक है रेगुलर वॉर प्रैक्टिस होती थी ठीक है डेली प्रैक्टिस की करवाई जाती थी अगर कोई वॉर हो गया तो अचानक से तो यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर तो इसके लिए हमेशा प्रैक्टिस भी कराई जाती थी नेक्स्ट थे इकोनॉमिक रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या कराया था कि उन्होंने रिवेन्यू बढ़ा दिया था ठीक है लगान ये बढ़ गया था बढ़ाया था डायरेक्ट टैक्स कनेक्शन इंट्रोड्यूस किया था स, मतलब कि डायरेक्ट जो है कैश होगा राजा के पास जाएगा किसी मिडिल मैन के थ्रू नहीं जाएगा ठीक है सीज्ड ऑल काइंड ऑफ़ चैरिटेबल लैंड टैक्स डैम ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि उन्होंने ही जो है हर तरह की जो भी आ, उन्होंने ही जो है सीज्ड ऑल काइंड ऑफ चैरिटेबल लैंड एंड टैक्स डैम ठीक है जितने भी तरह की चैरिटी में लैंड दी जाएगी ना उनको भी टैक्स लगेगा क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्राह्मीस जो थे उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था जैसे मंदिर पर्पज़ से दी गई है अगर लैंड तो वो टैक्स फ्री होगी ऐसा नहीं था इन्होंने कहा कि हर तरह की चैरिटेबल लैंड्स जो है सीज़ हो जाएंगी और उन पर भी टैक्स लगेगा ठीक है उन्होंने सेपरेट मार्केट क्रिएट किया सेपरेट गुड्स के लिए हर गुड के लिए सेपरेट मार्केट होगा ठीक है जैसे कि अगर जो मिलिट्री की अगर कोई चीज़ें बिक रही हैं तो उसके लिए अलग मार्केट होगा अगर डोमेस्टिक कुछ है तो उनके लिए अलग मार्केट होगा तो इसलिए हर चीज़ के लिए सेपरेट मार्केट क्रिएट किया था शहना मंडी ये जो थे ऑफिसर इंचार्ज थे मंडी के मार्केट के ठीक है जो मार्केट को कौन इंचार्ज कर बनेगा उसका उसको भी एक इंचार्ज नियुक्त किया गया और वह थे शाहने मंडी ठीक है और इस्टेब्लिश किया था दीवान मुस्तकराज कलेक्शन ऑफ एरियर्स के लिए ठीक है इंक्रीज़ किया था एग्रीकल्चर टैक्स टू फिफ्टी परसेंट टू हाई फर्टिलिटी हाँ एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा खेती होती है हाई फर्टिलिटी होती है वहाँ पर टैक्स जो है पचास परसेंट तक कर दिया था ठीक है और नेक्स्ट एंड लास्ट कौन थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी थर्टीन सिक्सटीन में मृत्यु हो गई थी हमारे खिलजी की ठीक है तो उनके बाद आए मुबारक शाह खिलजी ठीक है और उन्होंने अपने आप को कैलिफ बता दिया और थर्टीन ट्वेंटी में ही उनकी मृत्यु हो गई बाय गाजी मलिक या फिर जिसे कहा जाता है और ओ आर जिन्हें कहा जाता है गियासुद्दीन तुगलक तो आप समझ गए होंगे अब इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आने वाली है तुगलक डायनेस्टी तो खिलजी डायनेस्टी इतनी थी ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जलाउद्दीन और अलाउद्दीन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दो हैं जो मेन बने उनके तो मुबारक शाह ने किया उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया सिर्फ कैलिफ़ इंट्रोड्यूस किया अपने आप को दैट्स इट और उनकी मृत्यु किसने की ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें तो मैं आपको यहीं पर ही छोड़ती हूँ आज और नेक्स्ट स्लाइड में आई विल डिस्कस अबाउट द तुगलक डायनेस्टी अगर आपको मेरी स्लाइड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आर वीडियो टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोज़ एज मच एज यू कैन सो दिस वज कोमल सो साइनारा